बाढ़ और कोरोना को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से सतर्क है। महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं। कोरोना के लिए अस्पतालों में 5,000 नए बेड्स तक ऑक्सीजन लाइन पहुंचाना, टेस्टिंग का लक्ष्य बढ़ाया जाना, एंटीजन टेस्ट से मिले निष्कर्ष के आधार पर आगे के टेस्ट को सुनिश्चित किया जाना और साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण, ये बड़े फैसले हैं जिसे राज्य सरकार ने लिए हैं। और इन फैसलों के साथ अब केंद्र सरकार के सहयोग के साथ एक रणनीति पर भी काम हो रहा है जिससे संक्रमण के मामलों को नियंत्रित किया जा सके और उनकी पहचान करके उनको बेहतर इलाज प्रदान किया जा सके। साथ ही साथ बाढ़ को लेकर के तटबंधों की मरम्मती से लेकर कटाव निरोधक गतिविधियां हो या जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं बाढ़ और कोरोना से उत्पन्न स्थितियों पर नजर रखकर निर्देश लगातार संबद्ध अधिकारियों को दे रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि हर संभव व कोशिश की जा रही है जिससे मुश्किलें आसान हो सकें। और ऐसे समय में जब प्राकृतिक आपदाओं की वजह से राज्य के लोगों के लिए मुश्किलें सामने हैं, विपक्ष जिन संकीर्ण राजनीतिक हितों को साधने की कोशिश कर रहा है वो कतई आपदा के समय एक जो राजनेता और राजनीतिक दलों का कर्तव्य होना चाहिए उसका तो सर्वथा अभाव उनके अंदर अवश्य दिख रहा है। बिहार में विपक्ष के लिए कोई उम्मीद की किरण बनती हुई नहीं दिख रही है। जनता ने मन बना लिया है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक बार फिर 2020 में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी और 2019 के लोकसभा चुनाव के जो नतीजे हैं उससे बिहार आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। जो भी सियासत की गुंजाइश ढूंढने वाले महागठबंधन के नेतागण हैं उन्हें जरूर ये समझ लेना होगा कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा वो किसको बनाते हैं नहीं बनाते हैं उससे अहम है कि जनता किसको अगली बार एक बार फिर बिहार का कमान देना चाहती है। और वैसी स्थिति में आरएलएसपी हो या कांग्रेस हो या राष्ट्रीय जनता दल हो या उनके साथ रहने वाले वीआईपी जैसे छोटे दल जो भी साथ हैं, इन दलों को जनता ने पहचान लिया और संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि चुनाव के नतीजों को लेकर के विपक्ष को किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। 3/4 से ज्यादा सीटों पर एनडीए एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है।